जमाने को दिखाना है दर्दे दिल दर्दे जिगर, जमाने को दिखाना है हम किसी से कम नहीं है, तुझको ये बताना है ये वादा रहा हो मेरी चांदनी। हो गया ठीक है, पहुंचाएंगे। अपने बारे में कुछ बता दो। देखिए कला जो होती है उसका कदर करना चाहिए, जैसे कि कोई बच्चा चाहता है कि हम सिंगर बने, तो मतलब कि माँ बाप चाहते हैं कि बेटा तुम मतलब सिंगर बन लो, तुम मतलब पढ़ाई करो, तो मतलब उसको चाहिए कि नहीं, मतलब उसको सुनना चाहिए कि नहीं मेरे फोकस है ना, मेरे पर्पज़ है, पापा मैं ये बनना चाहता हूँ। लेकिन पापा उसको बोलते हैं बेटा तुम ये मत करो, लेकिन नहीं मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा ये बोलते हैं बेटा तुमको जिस क्षेत्र में जाना हो जिस लाइन में जाना हो उसमें तुम जाओ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसे तुम्हें मन होगा, लेकिन हाँ उसमें मुझे आपका परफेक्ट चाहिए। अगर आप उसमें अपना परफेक्ट दे रहे हैं तो आप एक ना एक दिन उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावटी के लिए कर रहे हैं, अरे सिंगर बनना है वहाँ जाएँ, अरे सिंगर क्या बने, नहीं नहीं अगर सिंगर बनना है कुछ बनना है, सिंगर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो पहले आप उसको देखिए कि आपके अंदर ये टैलेंट है कि नहीं। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो उसको दिखाने जरूरत नहीं होती, क्योंकि ना कला को प्रतिभा की जरूरत नहीं होती। कहते हैं ना कि किसी भी मतलब प्रतिभावान को हाँ प्रेरणा की जरूरत नहीं होती, कला दिखती है। जैसे कि इस जो स्पोर्ट्समैन होते हैं और जो सिंगर होते हैं वो मतलब बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते हैं, स्पोर्ट्समैन पैदा होते हैं। सचिन तेंदुलकर का लड़का जो है कभी क्रिकेटर नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर क्योंकि उसके अंदर वो क्रिकेटर नहीं है। जो उदित नारायण का लड़का है आदित्य नारायण, लोग कहते हैं ना उदित नारायण का अभी वो है लौंडा है आदित्य नारायण, वो नहीं मतलब कि क्या बन पाया तुम कहाँ बन पाओगे, लेकिन उदित नारायण का जो लड़का है उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है। क्योंकि हर जो मैं बोल रहा हूँ ना सिंगर स्पोर्ट्समैन पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, तो जो बन के आते हैं वो अपनी मतलब प्रैक्टिस और उसको मतलब निखारते हैं, वही मतलब सच्चा कलाकार होता है। और यही मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जितने मेरे भाई और मतलब की बहन हैं उनसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, पढ़ाई करें, आप वो काम करें जिसमें आपको क्या मज़ा आता है। अगर आपको पढ़ाई क्या मज़ा नहीं आता तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है, आप पढ़ाई आप दिखावटी के लिए पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस में पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन में पढ़ रहे हैं, डिप्रेस में पढ़ रहे हैं, आपको भी अपने मतलब ज़िंदगी में चाहे आप कम अचीव करें चाहे आप ज़्यादा अचीव करें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी आपके पास कम है तो अभी आपको मतलब ज़्यादा लग रहा है मतलब जिस दिन आपके पास हो जाएगा उस दिन भी आपको अपना कम ही लगेगा, क्योंकि ज़्यादा आखिरी में कम पड़ जाता है। आप जान लो लोग लोग लो के बोलते हैं अरे मैं ऐसे हूँ, मेरा पापा ऐसे हैं, मेरे पापा वैसे हैं, मेरे पापा वैसे हैं, हम कहते हैं आप क्या औकात, आप पापा जो हैं आप बाप भाई हैं, आप पापा वो हैं, आप क्या औकात, आप क्या हो, अपने आप को इतना मतलब कि हाली तक ले जाओ कि लोग कहें हाँ ये बंदा है, ये बंदा ऐसा बनो कि आप कोई मतलब कि पहचान ना हो, भाई फकीर कोई क्या उखाड़ लेगा यार, जो ऑलरेडी ज़मीन पे है उसको कोई क्या क्या मतलब गिरा देगा, उसको जो ऑलरेडी ज़मीन चल रहा है उसको कोई क्या गिरा देगा। बनना हो तो ऐसा बनो कि आप कोई इमेज ही नहीं है, आप कोई पहचान ही नहीं है। जैसे कि आप मतलब बोल रहे हैं कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं अरे भाई माँ बाप सब वैसे होते हैं, माँ बाप ये ऐसी है दुनिया, मतलब लोग बोलते हैं कि यार मैं मधुमक्खी के छत्ते के पास जाता हूँ और मधुमक्खी मुझे काटती है, अरे भाई जाना मन कर दो। मैं कहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई से की नफरत है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो अपने माँ बाप से जा मतलब अपने माँ बाप से जा के साफ साफ मतलब क्या बोल दो भाई, थ्री इडियट्स में आप उसमें क्या सीखा है। उसका जो लड़का था वो फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसके बाप चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन अगर वो फोटोग्राफर बन जाता भले ही चार पैसे कमाता लेकिन अपनी जिंदगी खुल जीता, अपनी वो जिंदगी खुल के जीता। अकल का अगर वो भले इंजीनियर बन जाता उसकी लाइफ, क्योंकि भाई लाइफ मेरी है इंजॉय मुझे करना है, आपके माँ बाप की लाइफ तो है नहीं, जो माँ बाप बोल रहे हैं हाँ जिस माँ बाप बोलते हैं ना कि यार ये कर लो हाँ कर दो लो, आप मुझसे पूछिए कि मैं ये कर दो लूँ, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आपके माँ बाप की
जो मतलब कि लाइफ है आपका, आपके मतलब माँ बाप की जो दिनचर्या है उससे क्या आपको देख कर ये मतलब लग रहा है कि इनके लाइफ में कुछ मतलब इंटरेस्ट है? अगर आपको उस तरह लग रहा है तो आप उस तरह बन जाइए, लेकिन आप अगर उस तरह नहीं लग रहा है कि जो मेरे माँ बाप हैं, हाँ मेरे माँ बाप जैसे हैं वैसे हैं, वो बदलने वाले नहीं। जैसे कि बिल्ली चूहे को खाती है, तो आप ये बोल रहे हैं कि बिल्ली तो बुरी है, चूहा बेचारा बड़ा अच्छा है, तो बिल्ली चूहे क्यों खाती है? ये अरे भाई भाई खाती है, ऐसी है दुनिया। अब बताओ, अब लोग बोलते हैं यार मैं IAS का पेपर देने जा रहा था, यार क्या बताऊँ एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया यार। अरे यार मैंने सब कुछ निकाल लिया था, मैंने रिजाइन दे दी नौकरी से, IAS के पेपर से मैंने रिजाइन दे दी। मैंने कहा फालतू नौकरी सरकार नौकरी में बने। ऐसे लोग जो खुद तो कुछ न बन नहीं पाए, दूसरा कोई अगर मतलब बनने जा रहा है उसको मतलब बोल रहे हैं भाई ये मत कर, ये बेकार है, इसको नहीं होता है, फंस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरे ऊपर ये हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वहाँ बेकार है। उनके लिए ये मतलब संदेश है कि क्या वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाए, उनकी सोच ऐसे हो गई है। जैसे कुछ लोग बाहर मिलेंगे और कहेंगे अच्छा ये तो बेटा कि अगर 3 में 5 जोड़ दिया जाए तो मतलब 7 कहाँ पता है, अब बताइए, आप नहीं बता पाएंगे, क्या पढ़ता है कमरा मत कमराता है, खुद नहीं पता, खुद क्या चांद नहीं पता, हम लोग मत पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग पढ़ेंगे इस दुनिया में, संसार सागर कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम है, ये संसार सागर है, इसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को देख जलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना जो अकेले क्या चलता है कुछ देर तक चलता है, लेकिन जो दूर तक वही जाता है जो मतलब सब साथ नहीं चलता है। ऐसे बनो, ऐसे बनो अपने जो जो जो, जो, जो मतलब वो बिल गेट्स बाहर से दिखाएंगे मैं ये करने वाला, ये करने वाला, बाहर से अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मदद क्या ले 5 रुपये जाके क्या मांग लो, ऐसे बड़ा इंसान पैसों नहीं होता, बड़ा इंसान कर्म से होता है। जैसे कि सिंहासन के उच्च महल पे विराजने के बावजूद भी कौवे का गरुण होना संभव है। अभी ये मतलब कि इसे कोई मतलब क्या महल है, यहाँ पे गरुण मतलब यहाँ मान लो यहाँ तोता है, वहाँ कौवा है, तो कौवा अगर वहाँ बैठा है उसको मतलब ये नहीं कहेंगे कि वो मतलब महाराजा है, उसको सभी कहेंगे कौवा है क्योंकि वो कौवा है। इसीलिए इंसान चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे समाज, चाहे जो इंसान अपने कर्जमान होता है भाई, जात पात से कुछ नहीं होता, वो तो मैं ठाकुर हूँ भाई, सबसे बलिहार ठाकुर हूँ। अब कोई लड़का है आपसे पढ़ने में क्या 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 तेज है, मतलब कि मल्टी टैलेंटेड है, तो आप उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब आप कहीं नौकरी देखने जाओगे तो आपको लोग ये नहीं कहेंगे कि यार भाई ये ठाकुर है, लड़का ये है, आपको लोग उस तरह से देखेंगे कि ये एक इंसान है। हमेशा ना कहते हैं ना बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ऐसे बनो, तो यहीं पे अपने मैं सपने को विराम देना चाहता हूँ। विश्व आगे।